आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और ये हेल्दी भी है। ठंडी में ताज़ी ताज़ी मटर आई हुई हैं, तो इसे ही हम कुछ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका स्वागत है। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है। तेज़पत्ता डालेंगे, 1 मैंने यहाँ काली वाली इलायची ली है, उसके बीज निकाल के वो डाल देंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, इसे भून लेंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच हरी मिर्च, इसे भी भून लेते हैं। 1 मैंने यहाँ प्याज लिया है, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसे भी भून लेते हैं। अब 2 टमाटर लिए हैं मैंने, डाल लेते हैं, बारीक कट कर लिया, इसे भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। अब 1 चम्मच हम नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे टमाटर और काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। अब इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके प्यूरी बना लेंगे। अब 1 कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच मैंने तेल लिया है, साथ ही साथ 1 चम्मच घी डाल लेंगे या बटर डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और प्यूरी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लेंगे अच्छे से। अब मैंने 1 कप मटर लिए हैं, मैंने फ्रोज़न लिए हैं। अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो 3-4 मिनट पकाइए, अगर फ्रोज़न है तो 2 मिनट पका लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और इसे ढक कर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गई है, ये अच्छे से पक गई हैं। अब मैंने यहाँ 1 कप ताज़ी मेथी ली है, जिसको हल्का सा कट कर लिया है। आप चाहें तो सूखी मेथी से भी बना सकते हैं। जो कि हमने मेथी डाली है, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम, 3 से 4 मिनट और अच्छे से इसे पका लेंगे। तो टोटल मैंने 1.5 कप पानी डाला है 3 बार करके। तो इसे ढक कर हम पका लेते हैं करीब करीब 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो गई हैं, देखिए। अब 1 कप हम मलाई डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो ताज़ी मलाई डाल सकते हैं, या फिर जो फ्रेश क्रीम आती है वो डाल सकते हैं, या घर की मलाई डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसे ढक कर और पका लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गई हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला या गाढ़ा है, तो उसी के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार है। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और इसे ढककर 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सर्व करेंगे। देखिए मेथी मटर मलाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। इसे गार्निश करेंगे थोड़े से पनीर के साथ। ये लीजिए, बनकर तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।